ताकि बिल्कुल अपना आकार ले ले। 12 घंटे के लिए इन्हें हीटर में डाला जाता है। तो एक एक छलनी को उठाया जा रहा है, स्टैंड में लगाते रहेंगे, जैसे ही छलनी भरती रहेगी और जैसे ही स्टैंड भर के तैयार हो जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा हीटर के अंदर। आप देख सकते हैं ये वाला जो स्टैंड है वो भर के तैयार हो चुका है, तो ये जा रहा है हीटर की ओर। तो चलते हैं हम भी देखते हैं इनका हीटर कैसा है। तो यहाँ पे जो है एक एक हीटर में आप देख सकते हैं पंखे लगे हुए हैं, चारों तरफ से यहाँ पे पंखों से घिरा हुआ ये हीटर है, जिसमें सारी की सारी ट्रे को लगा दिया गया है। ट्रे डालने के बाद इसको कर दिया जाएगा बंद और ये अब अगले दिन सुबह खोली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्माई में इन्हें पकाया जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी मैक्रोनी पक्के तैयार है। इन्हें पहले जांचा जाएगा कि अच्छे से पकी है या नहीं, तो उसके लिए एक एक करके एक स्टैंड को बाहर निकाला जा रहा है। अब भैया इसे जांच रहे कि अच्छे से पकी है नहीं पकी है, इसकी शेप बिल्कुल कड़क हुई है नहीं हुई है। जो नहीं हुई होगी उसको बंद कर दिया जाएगा, जो हो गई है उसको निकाल के बाहर डाल दिया जाएगा थोड़ा सा और सूखने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना फरारा होने के लिए, उसके लिए इन्हें निकाल के डाल दिया जाता है। ऐसे ही बाकी की ट्रे को भी देखा जाएगा, अच्छे से जांचा जाएगा, उसके बाद इन्हें निकाल के रख दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना मैक्रोनी, मेरा तो ऐसे मन कर रहा था देखने के बाद अभी से पकाऊं और खा लूं। और जैसे ये मैक्रोनी सूख के तैयार हो जाएगी, इसको बड़ी बड़ी बोरियों में भरा जाता है। जो आप दुकानों पर देखते हैं ना मैक्रोनी मिलती है 100-100 रुपए किलो, वो यही वाली मैक्रोनी होती है, नीरी सूजी की बनी जाती है मैक्रोनी। तभी तो भाई इतनी ज़्यादा खास है कि इसने मैगी को रिप्लेस कर दिया है। मैगी होती है मैदा की और ये होती है सूजी की। तो अब इसमें बोरियों को भर लिया गया है, अब बोरियों को नापा जाएगा, उसके बाद बोरियों को कर दिया जाएगा सील पैक। ये हो चुकी है बिकने के लिए बिल्कुल तैयार, और इन्हें बिकने के लिए तैयार मैक्रोनियों की बोरियों को ले जाके रख लिया जाएगा गोदाम में। फिर बड़े बड़े ट्रकों द्वारा इन्हें भेजा जाता है दुकान में बिकने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।